नमस्कार दोस्तों, मेरी तरह आप भी जरूर परेशान हो रहे होंगे। जितनी बारिश हो रही है और जैसे हालात पूरे देश में बन रहे हैं, अलग अलग जगहों से भयावह तस्वीरें आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है। सालों कमाई हुई लोगों की प्रॉपर्टी सैलाब में कागज के नाव की तरह बह रही है। और दुख की बात यह है कि आंखों के सामने सब होता देख कोई कुछ नहीं कर पा रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां हद से ज्यादा बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों को घर तक खाली करने की नौबत आ चुकी है और रिपोर्ट्स के हिसाब से अब तक 42 लोगों की जानें जा चुकी है पूरे नॉर्थ इंडिया में। आखिर ऐसे हालात बन क्यों रहे? हर तरफ पानी, भूस्खलन जैसी समस्याएं क्यों दिख रही है? मानसून तो हर साल आता है, लेकिन इस बार इसका रूप इतना भयंकर क्यों है? सारी डिटेल्स आपको इजीएस्ट वे में बताने की कोशिश करूंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट कर अपने ओपिनियंस, अपने सजेशन जरूर बताएं और अपडेटेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो वैज्ञानिकों के हिसाब से ये सिर्फ मानसून नहीं है, इस सिचुएशन को वो इंटरैक्शन बिटवीन मानसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बता रहे हैं। अब मानसून तो हमें पता है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? ये एक्सट्रीमली लो प्रेशर वाली हवाएं होती है जो भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी से उठती हैं और भारत की तरफ आती हैं, लेकिन हिमालयस की वजह से ये हवाएं इधर ही रुक जाती हैं और नियर बाय एरियाज में भारी बारिश और स्नोफॉल देखने को मिलता है, जबकि निचले हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। सेम चीज अभी यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी हो रही है, प्लस यहाँ अभी मानसून भी चल रहा है। यही कारण है कि स्थिति बद से बदतर होती ही जा रही है, आगे भी होने की संभावना है। अब इसका असर क्या पड़ रहा है? अब सरकारें कुछ क्यों नहीं कर पा रही? दिल्ली जैसे शहर में भी लोगों को अपने मकान छोड़कर जाने की नौबत आ रही है। तो इसकी पहली बड़ी वजह है अतिक्रमण। इतने सारे लोग हैं दिल्ली में, इतने घर हैं, इतनी बिल्डिंग्स हैं, नॉर्मली भी यहाँ जगह की कमी ही है। ऐसे में इतना सारा पानी एक बार में जाए तो जाए कहाँ? दूसरी बड़ी वजह है यहाँ के रोड्स। रोड्स इतने ज्यादा हैं दिल्ली में कि किसी भी जगह पर या ना के बराबर ही कहीं मिट्टी खाली है, मिट्टी वाली जमीन बची है, जिसमें अगर पानी रिस जाता तो शायद प्रॉब्लम्स में थोड़ी कमी जरूर आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। और तो और पानी के इस सैलाब की वजह से जगह जगह फसलें खराब हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन रुका पड़ा है क्योंकि सड़कें तो तालाब बन चुकी है, मार्केट में फल सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी ऐसे ही परेशान है, ऊपर से महंगाई अलग चोट कर रही है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये सब कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का ही रिजल्ट है। हायर चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न्स, ग्लेशियर मेल्टिंग्स, सी लेवल राइजिंग, ग्राउंड वाटर लेवल्स, हेल्थ इश्यूज, माइग्रेशन अनेक हैं। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को अकेले कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या एक आम आदमी, कैसे सुलझाए? जब तक हर कोई अपनी तरफ से क्लाइमेट को, नेचर को, सस्टेनेबिलिटी को बचाने के लिए एफर्ट्स नहीं डालेगा, सिचुएशन नहीं बदलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।